सुपेला पुलिस ने वैशाली नगर निवासी हरिकांत द्विवेदी की शिकायत पर मनीष मिश्रा नामक आरोपी को कमीशन लेकर बैंक कर्मियों से साठ गांठ कर बैंक खाता खुलवाकर उसके माध्यम से ऑनलाइन सट्टे का पैसा ट्रांसफर करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने साहिल महिलांग और रिसाली निवासी हनी गुप्ता के कहने पर यस बैंक में लगभग 20 खाता खुलवाया था। वैशाली नगर निवासी हरिकांत द्विवेदी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके अकाउंट से बगैर उसकी जानकारी के लगभग 4 लाख रुपए का लेन देन किया गया है। ऑनलाइन सट्टे की राशि को हेर फेर करने के लिए किया गया है। 12 अप्रैल को उसके खाते से 20,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर हुए थे। 13 अप्रैल को 3,85,000 रुपए चेक के माध्यम से निकाले गए हैं, जिसके बारे में उसे कुछ भी जानकारी नहीं है। शिकायत के बाद सुपेला पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी मनीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी एएसपी संजय ध्रुव ने न्यूज टीम को दी है। एक प्रार्थी पुलिस के पास आया, उसका यह कहना था कि उसके कंसेंट के बगैर यस बैंक में एक खाता संचालित की जा रही है और उसको धोखा देकर खाता को खुलवाया गया है। उसी पर से जब वो प्रार्थी यस बैंक जाकर अपना खाता खुलवाने की बात करने लगा तो यस बैंक के कर्मचारी और अन्य लोगों के द्वारा साथ मारपीट की गई। उसके रिपोर्ट पर से सुपेला थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और प्राथमिक विवेचना में जो बातें आ रही वो ये है कि ये गलत तरीके से बैंक अकाउंट खोलकर व्यक्ति अन्य लोगों के द्वारा ऐसे बैंक अकाउंट्स का संचालन किया जा रहा है और इस पर से फर्जीवाड़ा की जो बातें हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें बैंक के कर्मचारी और अन्य लोगों के कर्मचारी होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अभी हमारे द्वारा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है जो कमीशन बेस पर इस प्रकार के अकाउंट खुलाता था। आरोपी के पास से क्या क्या जब्त किए? आरोपी के पास से उस जो प्रार्थी का अकाउंट से निकाला है वह 3,50,000 रुपये, 3 ATM, 6 चेकबुक और कुछ बैंक से संबंधित दस्तावेज बरामद किए हुए हैं।